हरियाणा में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के कई और नेताओं ने बगावत कर ली है। युवा नेता देवेंद्र कादियान को टिकट नहीं मिलने पर भाजपा पर 100 करोड़ रुपए देकर टिकट देने का आरोप लगाया। भारतीय कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कादियान ने फेसबुक पर लाइव आकर पार्टी छोड़ने और आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कादियान के अलावा पार्टी के 6 और नेताओं ने भी भाजपा छोड़ने का ऐलान किया। इनमें असंध के पूर्व विधायक जिले राम शर्मा, भाजपा किसान मोर्चे के अंबाला जिला प्रभारी सोनू हरियोली, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री, हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यादव, रेवाड़ी से भाजपा नेता सतीश यादव और नारनौल से पूर्व जिला प्रधान और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शिव कुमार मेहता ने भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। 3 बागियों को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बना मैदान में उतार दिया। दूसरी ओर करनाल के पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता ने समर्थकों संग बैठक की। बैठक में 31 संसदीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने दोपहर में निर्णय लिया कि रेणु निर्दलीय लड़ेंगी या नहीं। भाजपा छोड़ने वाले देवेंद्र कादियान गन्नौर से टिकट मांग रहे थे। भाजपा ने यहां से देवेंद्र कौशिक को टिकट दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 100 करोड़ रुपए में टिकट दी है। टिकट के कटने के मामले में उन्होंने त्रिपुरा में एक नेता पर भी आरोप लगाए। कादियान ने कहा कि देवेंद्र कौशिक और उनके भाई पूर्व सांसद रमेश कौशिक ने सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी रहे मोहनलाल बड़ौली का चुनाव में विरोध किया और पार्टी ने उन्हें ही टिकट थमा दिया। उन्होंने कहा कि वो 12 को वर्करों संघ जनसभा कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरेंगे। उधर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक ने कहा कि भाजपा में टिकट रुपए देकर नहीं लिया जा सकता। आरोप सरासर गलत है। टिकट का फैसला संगठन और राष्ट्रीय नेतृत्व का है। कुछ कार्यकर्ता नाराज हुए हैं, उन्हें मना लिया जाएगा। गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी ने टिकट न मिलने पर कहा कि पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। टिकट नहीं मिलने से कोई नाराजगी नहीं है, वो भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक की मदद करेंगे। टिकट खरीदने या बेचने के आरोप में दम नहीं है। भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा की पत्नी राधा अहलावत महम हलके से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। खरकड़ा, बहलवा और भारण में पंचायत के बाद मंगलवार को राधा अहलावत ने यह निर्णय लिया। भाजपा नेता सतीश यादव और उनकी पत्नी उमा यादव ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह कार्यक्रम रेवाड़ी विधानसभा में आयोजित किया गया, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता मौजूद रहे। पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा को टिकट देने का विरोध जारी है। हालांकि विरोध में उतरे लोगों ने मंगलवार को प्रस्तावित महापंचायत रद्द कर दी। अब बुधवार को महाराणा प्रताप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महापंचायत होगी, जिसमें आगामी फैसला लिया जाएगा। वही हिसार में भाजपा से बागी प्रोफेसर छत्रपाल ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर बरबाला से नामांकन किया है। भाजपा के जिला पार्षद महंत दर्शन गिरी ने बरबाला से निर्दलीय के तौर पर पर्चा दाखिल किया। हिसार विधानसभा में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे तरुण जैन ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। वही हिसार विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता के नामांकन के दौरान निवर्तमान मेयर गौतम सरदाना, पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। चरखी दादरी के गांव माड़ी में सुखविंदर माड़ी के आह्वान पर बैठक बुलाई गई। बैठक में पूर्व विधायक सुखविंदर माड़ी ने कहा कि उन्होंने विधायक रहते क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये टिकट का मसला नहीं है, भाजपा ने जानबूझकर गलत फैसला लिया है। अब क्षेत्र का भाईचारा जो फैसला लेगा वो उसके साथ है।